ये नया इंडिया है। ये देश सिर्फ महात्मा गांधी का नहीं बल्कि सुभाष चंद्र बोस का भी है। ये नया इंडिया है, ये दुश्मन के घर में घुसेगा भी और मारेगा भी। थोड़ा फिल्मी है पर अच्छा है। हाय गाइस, माय नेम इज अपाला बिष्ट एंड वेलकम टू द फॉक्सी एंटरटेनमेंट। आज हम बात करेंगे सोनी लिव पर आई एक वेब सीरीज अवरोध द सीज विद इन की। अप्लॉज एंटरटेनमेंट और इरादा एंटरटेनमेंट की प्रोडक्शन अवरोध बेस्ड है 2016 में इंडियन आर्मी द्वारा किए गए सर्जिकल स्ट्राइक पर। ये 9 एपिसोड्स की सीरीज स्टार्ट होती है उरी अटैक से और खत्म होती है स्ट्राइक पे, और इस बीच हमें प्लानिंग से लेकर एग्जीक्यूशन तक सब कुछ देखने को मिलता है। स्टोरी ली गई है एक बुक से जिसका नाम है इंडियाज मोस्ट फियरलेस और जिसे लिखा है शिव अरूर और राहुल सिंह ने। वाओ, उरी अटैक पे मूवी, हाउ ओरिजिनल। वैसे एक मिनट, उरी अटैक पे तो एक मूवी बन चुकी है ना, क्या नाम था उसका? हाँ, उरी। हाँ, उरी पे ऑलरेडी एक मूवी बन चुकी है एंड सिंस इट्स अ रियल स्टोरी दोनों के प्लॉट भी बिल्कुल सेम है, लेकिन सिंस इट्स अ वेब सीरीज इसमें ज़्यादा डिटेल्स देखने को मिलती हैं, सटल नुएंसेस पे काम किया गया है एंड कुछ एडिशनल कैरेक्टर्स जो हमें फिल्म में देखने को नहीं मिल पाए थे वो इस सीरीज में देखने को मिलते हैं, जो इस सीरीज को पूरी तरीके से जस्टिफाई करता है। दो आई एम ऑल्सो वेरी बिग फैन ऑफ उरी द सर्जिकल स्ट्राइक, बट सोचो उसी यादगार स्ट्राइक को अगर और डिटेल में देखने को मिले तो कितना इंटरेस्टिंग हो सकता है। हाँ पर विक्की कौशल, हाय। ओ, विक्की कौशल से याद आया, अमित साध इज लुकिंग अमेजिंग इन द सीरीज। हाँ बट उरी मूवी के सीन्स ज्यादा अच्छे थे। या ऑफ कोर्स, आई मीन अवरोध पूरी तरीके से एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए बनाई गई वेब सीरीज नहीं लगती है, इसलिए काफी लेस ड्रामेटिक है। इनफैक्ट आर्मी का एग्जीक्यूशन भी काफी रियलिस्टिक दिखाया है जो बताता है कि हाउ डिफिकल्ट द स्ट्राइक वॉज। पहले 2 एपिसोड्स में उरी के अटैक्स दिखाए गए हैं, फिर बीच के 5 एपिसोड्स में प्लानिंग और एग्जीक्यूशन की डिटेल्स, और लास्ट के 2 एपिसोड्स में एक्चुअल स्ट्राइक दिखाई गई है। बट यू नो, यू रियली कांट कंपेयर। उरी अपने आप में काफ़ी क्रिस्प और इंटरटेनिंग मूवी थी, वेर एज अवरोध में आपको स्ट्राइक की ज़्यादा डिटेल्स जानने को मिलती हैं। उरी में भी प्लानिंग और ट्रेनिंग को बहुत अच्छे से कवर किया गया था एंड द प्लस पॉइंट वॉज द कास्ट, विक्की कौशल। यू नो द डिफरेंस बिटवीन उरी एंड अवरोध इज, इसमें काफ़ी अच्छे से दर्शाया गया है कि जब एक देश ऐसे हमले या कॉम्प्लिकेटेड स्ट्राइक की तैयारी करता है तो किस तरह से देश की पॉलिटिक्स इसमें इन्वॉल्व होती है, देश के अंदर अंदर की वॉर पॉलिटिक्स क्या रोल प्ले करती है, कितने डिप्लोमेटिक इंटरफेरेंस होते हैं, कॉम्प्लेक्सिटीज़ होती हैं। और इसमें यह भी बहुत अच्छे से दिखाया गया है कि पाकिस्तान किस तरीके से टेररिज्म को सपोर्ट करता है एंड सबसे इम्पॉर्टेंट, देश के जर्नलिस्ट ऐसे हालातों में क्या रोल प्ले करते हैं। बट व्हाट अबाउट द प्लॉट डिफरेंस? आई मीन इसमें बहुत सारी चीजें डिफरेंट दिखाई हैं, जैसे कि सोल्जर्स रात भर पाकिस्तान में रुके उसके बाद स्ट्राइक की, जबकि उरी में दिखाया था कि सोल्जर्स एक ही दिन में स्ट्राइक करके वापस आ गए थे। एज आई टोल्ड यू, इट्स बेस्ड ऑन अ बुक रिटन बाय डिफेंस एक्सपर्ट्स, इसलिए इसमें जो कुछ भी दिखाया गया है वो ज्यादा रिलायबल और क्लोजेस्ट टू द एक्चुअल इवेंट्स है। और क्योंकि मूवी छोटी होती है इसलिए इसमें बहुत सारी छोटी छोटी डिटेल्स कवर नहीं हो पाती है, और हो सकता है इसलिए उरी में वो माइन्यूट डिटेल्स मिस हो गई हो। और वैसे भी सॉन्ग्स भी तो जरूरी है बॉस। बट परफॉर्मेंसेस, विक्की कौशल, आई मीन धमाकेदार कास्ट थी उरी की यार, परेश रावल, रजत कपूर, मनीष चौधरी एटसेट्रा एटसेट्रा। उरी की तरह ही अवरोध की कास्टिंग भी बहुत अच्छे से की गई है। आई मीन व्हाट अमेजिंग परफॉर्मेंसेस बाय आरिफ, जकरिया, नीरज, काबी, दर्शन कुमार और अमित साध तो स्पेशल टास्क के लीडिंग ऑफिसर बने, और उनकी परफॉर्मेंस हर लिहाज से विक्की कौशल के परफॉर्मेंस को टक्कर देती है। लेकिन वो एक्टर जिनने सबका दिल जीत लिया वो है विक्रम गोखले जी, जिन्होंने ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर यानी कि मोदी जी का किरदार निभाया है। And what a performance! Okay, दोनों को कंपेयर नहीं किया जा सकता, दोनों दिखते सेम है जैसे कि मैं और तू, लेकिन थोड़े बहुत डिफरेंसेस हैं, जैसे कि मेरे पास दिमाग है और तू ब्रेनलेस और ओवर ड्रामेटिक है।
Exactly. What? Okay, Avrodh is good. Sir, good. Achha, Baba, very good. And Amit Sadh. Hi.